मेरा नाम हर्षिका नरवाल है। मैं जेवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 यूनिट 2 में पढ़ती हूँ और आज मेरे स्कूल में हेल्थ चेकअप हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में जो हेल्थ चेकअप हो रहा है वो हमारी हेल्थ की केयर के लिए हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल में ये हेल्थ चेकअप हो रहा है। मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा मतलब जो होते हैं हेल्थ के चेकअप, मतलब ये मतलब सही रहते हैं, ये हर स्कूल में होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रिका है और मैं जीएबी पब्लिक स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर हूँ। एंड आज हमारे यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया था हमारे रिस्पेक्टिव डायरेक्टर सर ने, तो उसके अंदर हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। पेरेंट्स भी आए हैं यहाँ पर और अदर साइड्स पे हमारे टीचर्स का, हमारे जो हेल्पर्स हैं उनका भी हेल्थ चेकअप यहाँ पर हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डायरेक्टर सर के वो टाइम टू टाइम हम लोगों को हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कराते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल मैम, थैंक यू। ओके जी, ये मतलब जैसे मौसम चेंज हो रहा है अभी अपना, तो उसके हिसाब से हम ये हर साल वैसे हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं यहाँ पे। ये हमारा आर्टमिस का कोलोबरेशन में लगता है जिसमें हम सभी अपने स्कूल के बच्चों और सारे स्टाफ को इसमें उनका हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही ये आज हमने कैंप लगाया है ऑर्गेनाइज। देखो जी, उसके लिए बदलाव के लिए तो यही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों का टाइम टू टाइम एक तो हेल्थ चेकअप होता रहे, तो उससे बड़ा रिलीफ रहता है कि आजकल के बच्चे सब वीडियो गेम और उसमें लगे रहते हैं और फास्ट फूड भी अब आजकल जीवन का एक हिस्सा ही हो गया, तो
उस वजह से। पर हमें पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखे और अपना थोड़ा मोबाइल से भी दूर रखे, तो उससे बच्चों की हेल्थ पे इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। वो हमें ज़रूरी है आज की डेट में, हम अवेयर रहें इस चीज़ के लिए। उसमें स्कूल को भी अवेयर रहना चाहिए और पेरेंट्स को भी रहना चाहिए, मेरा मानना यही है। थैंक यू। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो चेयरमैन श्री नरेश कौशिक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके गाइडलाइन में आज हमने आर्टेमिस के साथ टाई अप करके यहाँ बच्चों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए और बच्चों के जो हमारे अभिभावक हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है जीएवी पब्लिक स्कूल यूनिट 2 में। आप देखेंगे कि यहाँ हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी बच्चे थे उन सभी ने अपने यहाँ पे अपना दांतों से लेके अपना सभी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उन सब का अपना चेकअप कराया, तो बच्चे बड़े उत्साहित थे इस चीज़ को लेके और मींस टीचर्स भी बड़े खुश थे। तो इस तरह की जो गतिविधियां साल में हम दो बार कराते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लान रहेगा वो बच्चों के लिए कि आजकल देखने में आया कि वो गैजेट के बड़ा नज़दीक रहते हैं, लाइक मोबाइल लाइक टीवी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अभी बताना चाहूँगा कि चेयरमैन सर से हमारी बात हो चुकी है, नेक्स्ट हमारा प्लान रहेगा हम आँखों का कैंप भी यहाँ पे लगाएंगे छोटे बच्चों के लिए और उसमें अपने 100% जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, जितने भी हमारा स्टाफ है उन सबको हम कवर करेंगे। जब हमारा होमवर्क या कुछ भी डिलीवर्ड होता था पेरेंट्स और बच्चों को वो आज से 2 साल पहले होता था। लास्ट ईयर से बात करें जीएवी पब्लिक स्कूल के बारे में तो सारा जो भी आपका होमवर्क या जो भी स्टडी है वो आपकी जो डेली होमवर्क डायरी होती है, होमवर्क अपनी नोटबुक्स होती हैं उसके थ्रू ही सारा जाता है। आज की डेट में हमारी तरफ से 0% मोबाइल के यूज का मैसेज गया हुआ है। देखो अभी जीवी पब्लिक स्कूल ने अभी एक यूनिट 3 हमने स्टार्ट की है अपनी अशोक विहार फेज 3 में, उसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि हम बच्चों को मैक्सिमम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज रखें सो देट कि वो जैसे हेल्दी रहेंगे तो नो डाउट बच्चा पढ़ेगा भी, अगर बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो पढ़ेगा भी नहीं। बात करें हमारे यूनिट 2 की, बात करें यहाँ भी हम जो एक्टिविटी हमारी करा सकते हैं, बात करें स्केटिंग की, बात करें वॉलीबॉल की, बात करें अपना खो खो की, इस तरह की गतिविधियां हमने स्टार्ट कर दी है। और इंडोर भी हम गेम जो है हमारे कैरम हो गया, चेस हो गया, उसका भी हम बड़ा जल्दी ही अभी चेयरमैन सर से टाइम लेके एक पूरा फुल फ्लैश एकेडमी जो है उसकी ओपनिंग कराने जा रहे हैं। हमारा अगर यूनिट 2 की बात करें तो हमारे पास आचार्य कोच है जो डेली बेसिस पे सुबह असेंबली में आधे घंटे बच्चों को वार्म अप एक्सरसाइज अलोंग विद योगा क्लासेस स्टार्ट कराते हैं। देखो पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भी जो हमारा जीवी स्कूल है उसने इसको मतलब प्रायोरिटी में लिया कि बच्चों के जो हेल्थ चेकअप है, जो हर बच्चे का चेकअप हो रहा है, ये नहीं कुछ बच्चों को हो रहा है। तो मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा कि भी वो मतलब शिक्षा के साथ साथ ना उनके स्वास्थ्य की चिंता करता है। और बात रही क्या नाम है जो क्या नाम है जंक फूड की, तो मुझे जैसे डायरेक्टर साहब से जानकारी मिली तो वो डाइटिशियन का भी मतलब भी अपने बच्चों की क्लासे लगवाएंगे जिससे कि वो अवेयरनेस हो, और जो बच्चा अवेयर होगा ना वो चीज़ को नहीं खाएगा जी। तो उससे मेरे को लगता है कि जब उनको हम अवेयर करेंगे, उनकी सही जानकारी देंगे, तो उससे बच्चे अपना आप ही उससे दूर रहेंगे। मैं शीता शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ जीएवी पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन सर श्री नरेश कौशिक जी एंड डायरेक्टर सर धर्मेंद्र कौशिक जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमेशा इस तरह की कैंप लगवाने के लिए या और भी किसी एक्टिविटी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें कोऑपरेट करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपने पूछा कि कैंप के बारे में, तो वो हम बच्चों की हेल्थ के लिए प्लान में रहता है हमारे अकेडमिक के साथ साथ कि हम बच्चों की हेल्थ पे भी ध्यान दें, तो वो हम टाइमली लगवाते रहते हैं। आज भी जैसे आप देखा होगा कि डेंटल कैंप भी लगवाया है और फिजिकल हेल्थ कैंप में जो मेन प्रॉब्लम्स है बच्चों का, एक तो सबसे बड़ा जंक फूड है जो बच्चे खाते ही हैं घर, तो हम पेरेंट्स को भी टाइमली अवेयर करते रहते हैं कि इस तरह के जंक फूड से बच्चों को दूर रखें सो दैट उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। फर्स्ट हेल्थ ठीक रहेगी तभी वो अच्छा पढ़ भी सकेंगे, अच्छा रिजल्ट दे पाए। थैंक यू मैम।